हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक साथ दो फॉर्मूला वी लुकअप के साथ कैसे यूज करेंगे, बात करें एक साथ दो फॉर्मूले की तो पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि कभी कभी वी लुकअप में कुछ प्रॉब्लम आपको आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर वी लुकअप यहां बात करें, यहां पर लगाता हूं इज इक्वल टू वी लुकअप, तो ये वी लुकअप लगा लिया। ठीक है, और हमें किसको ढूंढना है, राम को ढूंढना है, राम ले लिया हमने, कॉमा दिया। ठीक है, और ये देखिए ये हमारा टेबल एरे है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं तो ये टेबल एरे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हेडिंग तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर हमने हेडिंग पहले से ले रखा है, तो ये हमने ले लिया इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, F4 दबा के सबको फ्रीज कर देंगे, फ्रीज हो गया, कॉमा देंगे। हम बात कर रहे हैं टोटल की, टोटल है आपका 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर कॉलम में, तो यहां 7 लिखा, कॉमा दिया, और कॉमा देने के बाद यहां 0 दे देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पे देखिए यहां पे NA आ रहा है, प्रॉब्लम है NA क्यों आ रहा है। हर फॉर्मूला हर एक चीज हमने सही से लगा रखी है, देखिए यहां पे हर चीज हमने सही से लगाया, फिर भी NA का एरर क्यों। कारण ये है कि कभी कभी हम डेटा को कॉपी करते समय स्पेस दे देते हैं। यहां पे देखिए ये एकदम लेफ्ट में अलाइन है, ये राम श्याम ये जो स्टूडेंट नेम है ना, यहां पर एकदम लेफ्ट में अलाइन है, लेकिन यहां पर थोड़ा थोड़ा गैप हो गया है एक एक। ठीक है, अब ये गैप को अगर आपको रिड्यूस करना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो चलिए लगाते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप लगाते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मूला। अब यहां पर एक ट्रिम फॉर्मूला होता है जो स्पेसेस को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, तो यहां पे लगाता हूं TRI, तो यहां पे ट्रिम अपने आप आ जाएगा, आ गया। अब क्या करना है, ट्रिम के आते ही वो वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें गैप है। ठीक है, तो ये राम है, इन्हीं का टोटल हमें सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कॉमा देना है। देखिए ब्रैकेट को क्लोज करके तब कॉमा देना है, ध्यान रखिएगा। अब पूरा का पूरा टेबल एरे आप कर लीजिए सेलेक्ट, ये टेबल एरे है हमारा, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने से क्या होगा, ये सब फ्रीज हो जाएगा, रो कॉलम जो दोनों है ना वो सब फ्रीज हो जाएगा, सबके पहले डॉलर लग जाएगा, इट मीन्स कि ये फ्रीज हो गया। फिर कॉमा देंगे हम, कॉमा देने के बाद क्या करना है, काउंट करिए कि टोटल किस कॉलम में है, यहां से काउंट करिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको यहां पे लिखना है 7, फिर कॉमा देना है, अब फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं और इसको क्लोज करिए, क्लोज करने के बाद प्रेस कर दीजिए एंटर, तो यहां 5353 आ चुका है। देखिए यहां पे 353 है ना, तो हमारा आंसर तो आ गया। ठीक है, अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं तो क्या होगा, सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान दीजिए कि स्पेसेस को आप बिना रिड्यूस किए अगर करेंगे तो ये दिक्कत आएगी, और स्पेसेस को रिड्यूस कैसे करेंगे, ट्रिम फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, अब यही चीज मैं आपको डिफरेंट शीट पे भी लगा के दिखा सकता हूं। ठीक है, कैसे करेंगे आइए दिखाता हूं। ये देखिए ये पूरा का पूरा डेटा मैं कॉपी करता हूं, वैल्यू हमें कॉपी करनी है वैल्यू, तो यहां से ये पूरा डेटा ही कॉपी कर लेता हूं यहां से जाकर के, और फिर यहां पर इसको रख देता हूं, ये पेस्ट कर देता हूं, तो ये भी हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर क्या करता हूं, हेडिंग्स को कॉपी करता हूं, तो ये ले लिया हेडिंग, ओके, ये इस तरीके से और यहां पे रख देंगे। ठीक है, हेडिंग ले लिया, अब नेम में क्या करना है, गैप देना है, तो नेम देखिए फिर दिखाता हूं, ये वाला कॉपी करता हूं, ये क्योंकि इसमें गैप है दैट्स वाई इसी को कॉपी कर लेता हूं, और फिर यहां पे लाके रख देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ये हो गया। अब मान लीजिए आपको कंप्यूटर का मार्क्स पता करना हो या अरुषि का मार्क्स पता करना हो कंप्यूटर का, तो इज इक्वल टू वी लुकअप लगा दीजिए, वी लुकअप लगा दिया आपने। अब देखिए स्पेस है इस नेम में, आरुषि जो लिखा हुआ है इसमें भी स्पेस है, तो इस स्पेस को करना पड़ेगा रिड्यूस, तो यहां पे लगा दीजिए ट्रिम फॉर्मूला, ट्रिम लगा दिया हमने, और ट्रिम लगाने के बाद क्या करना है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिस टेक्स्ट में स्पेस है। ठीक है, अब वो कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, फिलहाल मैं इसी को ले लेता हूं, तो ये ले लिया हमने। ठीक है, ये ले लिया, इसके बाद ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, कॉमा दे दीजिए, और ये पूरा का पूरा टेबल है। अच्छा देखिए हेडिंग तो पहले से है ना, हेडिंग अगर नहीं होती तो हेडिंग को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी तो है हमारे पास हेडिंग, तो ये पूरा टेबल एरे कर लीजिए सेलेक्ट एक्सेप्ट हेडिंग, हेडिंग को छोड़ करके। ठीक है, F4 दबा के फिक्स कर दीजिए यानी फ्रीज कर दीजिए, कॉमा दे दीजिए। अब हमारा डेटा कंप्यूटर है ना, तो काउंट करिए यहां से, कंप्यूटर कौन से कॉलम में है, 1 2, दूसरे कॉलम में है, तो यहां पे लिखिए 2, फिर कॉमा दीजिए, फिर यहां पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहां 52 आ चुका है, देख सकते हैं आप। ठीक है,
इसी तरीके से इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो सबका आ जाएगा, ठीक है। बात आपके समझ में आई होगी कि ये किस तरह से हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ भी आपको करना हो, स्पेस को अगर रिड्यूस करना हो तो ट्रिम फॉर्मूले को वी लुकअप के साथ यूज करके इस तरह से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।